गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम दरअसल दो दिन हो गया वीडियो नहीं बना रहे थे और हमारा यहाँ इतना बारिश हो रहा था, पूछो मत, बहुत बारिश हो रहा था और इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बनाए। और एक ऐसी चीज़ भी घट गई जो उसी की वजह से भी हम वीडियो नहीं बना रहे थे। ठीक है, तो दरअसल वो बात ये है कि अपना एक मामा लगते हैं तो उनका देहांत हो गया है, तो वहाँ गए थे और बारिश इतना हो रहा था कि, तो आप लोग को पता है कि हमारे समाज में, मतलब कि हमारे मुंडा समाज में जलाते भी हैं और दफनाते भी हैं। तो उन लोग डिसाइड किया कि दफनाने वाले हैं, तो परेशानी ये थी कि तो दफनाएंगे कैसे और मिट्टी को खोदाई कैसे करेंगे। तो बहुत बारिश हो रहा था, बारिश रुकने की नाम नहीं ले रहा था, तो इसकी वजह से गाड़ी का एक जुगाड़ किया गया, मतलब कि जेसीबी गाड़ी का जुगाड़ किया गया और जेसीबी से खुदाई की गई और दफना दिया गया। और हम कल ही वापस आ गए, लेकिन मम्मी पापा उधर ही उनके घर में रह गए हैं, तो आज फिर जाके उनको लेके आना है। तो हो सकता है तो ब्लॉग में भी आपको दिखाएंगे। तो दरअसल अभी हम आए हैं नदी की ओर, जैसे कि हम आपको बताते हैं हम रोज़ नदी में आते हैं, घूम के जाते हैं, और आज शायद बारिश हो भी सकती है, ज़्यादा बता नहीं सकते कि बारिश हो गया या नहीं, लेकिन मौसम तो साफ लग रही है, लेकिन मौसम की कोई सटीक है नहीं, तो कभी भी आ जाता है बारिश। साफ साफ लग रहा है मौसम, आसमान भी लग रहा है साफ, बट बारिश हो भी सकती है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखती है, तो अभी यहाँ से नदी से घूम के भाग जाएंगे और बस्ती में भी कुछ व्यू दिखाएंगे कि वहाँ पे फ्रेंड्स लोग होंगे तो उनके साथ भी आप लोग को बात कराएंगे। तो स्टे कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, आज काम पे जाने वाले थे लेकिन हम गए नहीं, तो इसका रीज़न ये है कि जो मेरे साथ जो बंदे काम कर रहे हैं हेल्पर लोग, उन लोग ने मतलब नहीं निकले और छुट्टी कर दी, तो उसकी वजह से मेरा भी छुट्टी हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि पेड़ वगैरह जंगल दिख रहा है, तो दरअसल मैं बकरी को चराने के लिए लाया हूँ और उधर बकरी है, और ये सब जहाँ भी देख रहे हैं ये इस साइड ये बेर का पेड़ है, तो बेर का पेड़ के पास आप हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा बड़ा बेर हुआ है। और अभी बेर सब पकने लगी हैं, तो हालांकि हम ज़्यादा दूर गए नहीं हैं, ये दरअसल ये नदी का किनारा है, देख सकते हो ये आम का पेड़। ओए आसो, उधर बेटे लोग आ रहे हैं, उनको घर भेजे थे। हेलो, तो कर दे, क्या खोज छ, क्या खोज छ, ये बेर की मतलब, ये बेर की मतलब कि नहीं है, बट बेर खाने से दरअसल खांसी पकड़ लेती है छोटे छोटे बच्चे को, तो इसकी वजह से हम अपने बेटे लोग मना कर रहे थे कि बेर मत खाओ। तो देख सकते हो ये जो देख रहे हैं ये बेर का पेड़ है, और उधर वो भी बेर का पेड़, और उधर पास में उसमें दो है, और यहाँ भी जो देख रहे हैं वो, और उधर भी है, और ये और वो भी है, काफ़ी पेड़ है यहाँ पे, बहुत सारा पेड़ है इधर है, और बेर का पेड़ है। कुली भी। हाँ कुली तक है, बेर को है, बेर बेल बेल न है, बेर हाँ बेर बोलते हैं। तो गाइस अपना बकरी इधर चल रहे हैं, और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये भी बेर का पेड़ है, बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे जितना भी पेड़ है बेर का पेड़,
तो वहाँ सभी का पेड़ से ये वाला पेड़ का बेर सभी को अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला पेड़ का बेर। तो यहाँ से आप देख सकते हो नदी का व्यू भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो उधर अपना बकरी चर रहे हैं और अपना घास धरवा खा करवा ओके। तो अभी बेर का पेड़ के पास अभी जाते हैं और आपको दिखाते, ये लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। और ये जो बेर का पेड़ है वो काटा होता है उसमें, तो वहाँ अभी जाएंगे तो चप्पल तो पहने हो कोई खतरा नहीं, तो अभी उधर जाते हैं। और गाइस कि हम बस्ती में जाके अपने दोस्तों लोग के साथ बात कराएंगे बोल रहे थे, लेकिन वो सब कहाँ गए पता नहीं, वो दिखे नहीं बस्ती में वापस आए तो इसकी वजह से वीडियो में आपको दिखाया नहीं। अगर वीडियो एंड करते करते टाइम या फिर उनको मिल जाएंगे तो वीडियो में वो लोग ज़रूर आएंगे और वीडियो में कुछ ना कुछ बोलने के लिए कहेंगे। तो अभी हम फिलहाल बेर के पेड़ पास आ गए हैं, और हालांकि ये मोबाइल से आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है,